मोतिहारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर व्यवसायी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधियों के पास से लूट के 1,80,000 रुपए और 2 देसी कट्टा समेत 5 गोलियां बरामद की। इस घटना के संबंध में मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने बताया कि बीते 31 मार्च को दड़पा थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी से 2,10,000 रुपए और बाइक लूट कर फरार हो गए। घटना की प्राथमिकी दर्ज होते ही रक्सौल SDPO सागर कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। 31 मार्च को दरपा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति से अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर 2,10,000 रुपया लूटा गया था और मोटरसाइकिल भी लूट लिया गया था। 1/4 को छापामारी करके 3 अपराध कर्मियों बिट्टू कुमार सिंह, प्रिंस कुमार और छोटू साध, जो तीनों ही आदापुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर लूट का 1,80,000 रुपये बरामद कर लिया गया। साथ ही इनके पास से 2 देसी कट्टे। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां भीषण अगलगी की घटना में कई घर जलकर राख हो गए हैं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना सकरा थाना क्षेत्र स्थित महमदपुर गोकुल नया टोला की है। आग लगने के कारण काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद कई घरों में आग लगने से ग्रामीणों में मातम छा गया। नहीं चला कैसे हुआ, और अचानक आग का लपटा उठा ऊपर से और नीचे तक, जब तक के लोग यहाँ तक आते आते जब तक ये घर जल चुका था। और कोई घर जला है? लगभग 50 ऊपर घर जल चुका है, और कुछ सामान भी जो है शादी के अति गाड़ी था जो दहेज के लिए देना था, नया गाड़ी वो देख सकते हैं आप, नया गाड़ी। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ बरामद किया गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक आसपास का ही रहने वाला है और एक दुकान में पेटी बनाने का काम करता था। कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था, जिसकी वजह से कई महीनों से मानसिक तौर पर परेशान भी चल रहा था। परिजनों को मौत की खबर मिलते ही चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बताया कि बीते मंगलवार से ही शख्स लापता चल रहा था, जिसकी काफी खोजबीन भी की गई थी। मंगल के सुबह में निकले थे या नहाने के लिए, और हम लोग खोज पुछारी किए। यहाँ पर और लोग था, आए थे कहने, NDFR वाले लोग खोज रहा था, और लाश के बच्चा सब भी डूब गया था सीढ़ी घाट। आए खोजे उजे नहीं मिले। आज सुबह 11 बजे में पता चला कि एक लाश है नदी में, तो आए हम लोग देखे वहाँ, तो पहचान हुआ इनका कि प्रकाश सहनी है, तो हम लोग ले आके नदी के आगे से।